नमस्कार, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिफेंस सेक्टर की बिगेस्ट बेनिफिशियरी HAL के बारे में डिस्कस करूंगा। दरअसल HAL ने जिस तरीके से नए नए टाई अप किए हैं फॉरेन कंपनियों के साथ, वो HAL की देखा जाए तो ऑर्डर बुक पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे या HAL की ओवरऑल कंपनी पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे, मैं वो चीज़ें भी आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और HAL जो कि डिफेंस सेक्टर का बिगेस्ट बेनिफिशियरी बन चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी जो एलोकेशन है डिफेंस सेक्टर पर, तो उसकी वजह से जो डिफेंस सेक्टर में जो चेंजेस आए हैं, क्यों HAL ही उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी दिखाई दे रहा है, यही सब चीज़ें लेकर मैं आज आपके साथ इस वीडियो में आया हूँ। और आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि HAL के शेयर को अभी भी लेने का समय है या नहीं, अगर है भी तो हमें इसको कितने समय तक या किस भाव तक हम इसको रख सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ HAL के शेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने सुना होगा कि HAL जो है LCH लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, फाइटर जेट्स बना रहा है, पर HAL इसके अलावा भी बहुत कुछ बना रहा है। HAL इस समय टैंक्स भी बना रहा है, HAL इस समय अपनी सर्विस इसरो को भी दे रहा है। अगर देखा जाए गगनयान मिशन में भी HAL ने अच्छा बड़ा रोल प्ले किया है, उनके पार्ट्स भी काफ़ी HAL ने बनाकर दिए हैं। HAL ने अभी गैस टर्बाइंस बनाकर दिए हैं जो कि यूज़ हुए हैं INS विक्रांत के अंदर। आप लोगों को HAL के बारे में एक और अच्छी बात बताता हूँ कि HAL का जो करंट ऑर्डर बुक है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि HAL को सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर आए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आए हुए हैं। पर अगर आप HAL के रेवेन्यू को देखेंगे, रेवेन्यू जिस हिसाब से कंपनी इस समय आ रहा है जो है, उसके अंदर जो कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लाती है वो रिपेयरिंग के काम से लाती है, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉल का जो काम है और स्पेयर पार्ट से, ये कंपनी के रेवेन्यू में सबसे बड़ा हिस्सा प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ही कंपनी के अंदर जो होने वाले बड़े चेंजेस हैं वो छुपे हुए हैं, जो मैं आपके आगे लेकर आया हूँ। अब मैं आपको वो चेंजेस बताना शुरू करता हूँ। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ऑर्डर बुक के हिसाब से तो कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर ज़्यादा हैं, और रेवेन्यू के हिसाब से स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसेज के, जो उनके रिपेयरिंग एंड सर्विसेज के ऑर्डर हैं वो ज़्यादा हैं। अब जो कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के दम पर आ रहे हैं, कि जो कंपनी नए नए टाई अप कर रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट भी जिस तरीके से मेक इन इंडिया पर फोकस कर रही है, तो उसके कारण जो है कंपनी नए नए प्रोडक्ट बना पा रही है, कंपनी इंजन तक बना रही है। अब जो है आप समझ लीजिए कि जो फाइटर जेट्स हैं और हेलीकॉप्टर हैं उनके इंजन के लिए भी यहाँ पर कंपनी टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, तो वो बेनिफिट होने के कारण कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर हो रहे हैं, जिसके कारण कंपनी की ऑर्डर बुक बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। और ऑर्डर बुक देखी जाए तो लगभग इस समय 80,000 करोड़ के आसपास की है, और जो कि बढ़कर इस साल के अंत तक ही लगभग 1,00,000 करोड़ को पार कर जाएगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर कंपनी के अंदर एक चीज़ ये भी बड़ी अच्छी लगती है कि कंपनी लोकल टू ग्लोबल होने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी एक्सपोर्ट पे भी फोकस कर रही है। करंट सिनेरियो में कंपनी का एक्सपोर्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 185 करोड़ रुपए के आसपास है ओवरऑल सेल्स का। लेकिन जिस तरीके से कंपनी ने मॉरिशियस के साथ टाई अप किया है कि जो कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करेगी, युगांडा में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने जा रही है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको ये, और अर्जेंटीना के साथ जिस तरीके से कंपनी की बड़ी डील सुनने में आ रही है कि कंपनी वहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर्स को सप्लाई करेगी, ये भी बता रही है कि कंपनी लोकल टू ग्लोबल होने की ओर अग्रसर है, और इसका बेनिफिट कंपनी को आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रियाँ जो हैं वो भारत की तरफ इंटरेस्टेड हैं। और अगर भारत की कंपनी इस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप करेंगी और जिनकी प्रोडक्ट की अगर वैल्यू बनेगी बाज़ार के अंदर, तो वो निश्चित रूप से वो ऑर्डर HAL के पास एक्सपोर्ट के ज़रूर आने हैं। जिस तरीके से कंपनी ने टाई अप किए हैं उनका कंपनी को फ़ायदा तो मिल रहा है, अब वो टाई अप भी बहुत बड़े बड़े हैं अगर पिछले 2-3 सालों के अंदर भी देखें, और रेगुलर कंपनी कर रही है। देखिए, कंपनी ने रॉयल्स रॉयस के साथ टाई अप किया था, जिसमें कंपनी ने गैस टर्बाइन वाली टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर आई। कंपनी ने जीरो एविया एक कंपनी है उसके साथ एयरक्राफ्ट के लिए टाई अप किया था। कंपनी ने इसराइल की एक एरोस्पेस की इंडस्ट्री है उसके साथ भी टाई अप किया। कंपनी ने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को हायर किया हुआ है, जो कंपनी को रेगुलर टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज देता है। अब कंपनी ने अभी सैफ्रन फ्रांस की एक कंपनी है उसके साथ टाई अप कराया है, जिसमें कंपनी हेलीकॉप्टर के इंजन को डेवलप करेगी। कंपनी ने देखा जाए तो HAL ने जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की कंपनी, जो काफ़ी बहुत बड़ी रेपुटेटेड कंपनी है एरोस्पेस के अंदर, उनके साथ भी टाई अप किया है।
तो ये टाई अप जो है कंपनी को इतना बड़ा बनाने की ओर ले जा रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर आ रही है तो उसका, तो उसके साथ जो प्रोडक्ट डेवलप होंगे वो कंपनी के पोर्टफोलियो को लगातार एक्सपेंड करते जा रहे हैं। और जिस तरीके से कंपनी ने अगर देखा जाए R&D कर जो अपने पाइपलाइन में प्रोडक्ट्स को डाला हुआ है, तो वो भी ये बता रहे हैं कि कंपनी के आने वाले समय में जो सेल्स है और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होने की ओर है। और कंपनी के अंदर एक चीज़ की बड़ी सेफ्टी दिखाई दे रही है कि कंपनी एक तो ज़्यादातर जो माल बना रही है, जो प्रोडक्ट बना रही है, वो ऑन ऑर्डर बना रही है। फिर कंपनी जो मेन सप्लायर है इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इन सबको अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत। तो कहने का मतलब जो कंपनी के ऑर्डर हैं वो ठोस ऑर्डर हैं, उन ऑर्डरों में भी कंपनी को कोई चिंता नहीं है। और सेल्स तो जिस हिसाब से कंपनी कर रही है ऑर्डर बेसिस पे, वो उसमें भी रेगुलर ग्रोथ आ रही है। अगर पिछले कई सालों के अंदर हम देखें तो HAL ने लगभग 1700 करोड़ रुपए का एवरेज कैपेक्स किया है हर साल, जो कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को रेगुलर बढ़ाता जा रहा है। फिर HAL के अंदर मुझे एक चीज़ और आपको यहाँ पर बतानी अच्छी लगी कि अगर HAL के पास इस समय कैश देखें तो 20,000 करोड़ रुपये का कैश है। 27,000 करोड़ रुपये की सेल करने वाली कंपनी के पास इस समय जो है 20,000 करोड़ रुपये का कैश है। अब उस कैश को आप देखिए कंपनी डिविडेंड के रूप में भी बांट रही है शेयर होल्डर्स को, और कंपनी की स्थिति को ये कितना अच्छा बता रहा है कि कंपनी कितने बढ़िया कैश की पोजीशन में बैठी है। अगर कंपनी को कोई बड़ा भी कैपेक्स करना पड़ गया यहाँ पर, या कोई बहुत बड़ा बड़ा टाई अप भी करना पड़ गया, तो कंपनी उसके लिए फ्यूचर के लिए तैयार है, क्योंकि कंपनी के पास कैश की स्थिति बड़ी सॉलिड है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी 25% के आसपास मेंटेन है, ये भी कंपनी के लिए बड़ा हेल्दी है। कंपनी का ROCE 30% के आसपास है। कंपनी का एवरेज 10-year रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो भी 22% के आसपास है, डबल डिजिट में है। अगर बात करें सेल्स की तो 2014 में कंपनी ने लगभग 15,500 करोड़ की सेल करी थी और उस पर 2700 करोड़ रुपए का मुनाफा बनाया था। आज 9 साल के अंदर कंपनी के स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज आया है कि कंपनी ने अपनी सेल्स को लगभग डबल कर दिया है, जो कि अब आज की डेट में 28,000 करोड़ के आसपास है, और उस पर कंपनी 5800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रही है। तो कंपनी ने जो ग्रोथ है वो सेल्स और प्रॉफिट पे लगातार करी है। अगर आप कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अट्रैक्टिव इसलिए हैं कि कंपनी की बुक वैल्यू 700 रुपए की है, जिस पे कंपनी 85 रुपीज़ का EPS ला रही है। और कंपनी को अगर देखा जाए प्राइस टू बुक मिल रहा है सिर्फ 5.5 का, 5.5 का। तो ये बता रहा है कि कंपनी काफ़ी डीपली अंडर वैल्यूड है। अगर हम देखें तो इस तरीके की कंपनी को अगर 10 या 12 का भी मल्टीपल मिले तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी काफ़ी महंगी है या महंगी हो चुकी है। तो इस हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस में आगे यहाँ पर और तेज़ी आने के काफ़ी चांस हैं। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर आप कंपनी में बैठ रहे हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है और बूमिंग सेक्टर है, तो वो सब चीज़ें हम अगर कंसीडर करके कंपनी के शेयर को बाय करें तो कंपनी के शेयर में यहाँ से जो है काफ़ी कुछ तेज़ी आने के भी चांसेस बनते हैं। देखिए, अगर आप कंपनी के स्ट्रक्चर को समझ कर या कंपनी को आप मानते हैं कि कंपनी एक अच्छी फाइनेंशियल वाली कंपनी है, और आपकी भी रिसर्च कंपनी को कंसीडर करती है, और आपको लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर एक बूमिंग सेक्टर है और भारत गवर्नमेंट का ये जो है सेक्टर जो है इस समय पसंदीदा सेक्टर बना रहेगा आगे आने वाले कुछ समय में भी, तो आपको अपने डिफेंस सेक्टर के पोर्टफोलियो में इस कंपनी को ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि सेक्टर लीडर भी है कंपनी और वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं। तो मेरी नज़र में अगर आप 1,00,000 रुपये अगर डिफेंस के शेयरों पर लेना चाह रहे हैं तो इस कंपनी के ऊपर आपको जो है 30-35% का अपने पोर्टफोलियो में कंपनी को आपको जो है हिस्सा ज़रूर देना चाहिए। आप भी एक बार कंपनी पे अपनी एक बार रिसर्च करिएगा और जब ही कोई फैसले पर पहुँचेगा। बाकी देखा जाए तो मैंने जिस तरीके से आपको कंपनी को एक्सप्लेन किया या मैंने जो समझाया कंपनी को, तो मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स पर, फिनेंशियल्स पर और फ्यूचर पे किसी तरीके का कोई शक नहीं दिखाई दे रहा है, या कह दीजिए आपकी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। मैं कंपनी को लेकर पॉजिटिव व्यू में हूँ। नमस्कार।